से प्रॉब्लम होता है, स्पीडोमीटर से नहीं। बोलते हैं स्पीडोमीटर चेंज कर दो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। कपलर, कपलर देखो यहाँ पे, ये कपलर की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो बस ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आओ दिखाते कैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं कुछ बाइक में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ दो दिन से। अगर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं कुछ बाइक में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ दो दिन से। अगर इस ये देखिए, जब भी मैं इसको पहले मैं न्यूट्रल में करता हूँ इस गाड़ी को, अभी देखो। तो सबसे पहली बात ऑन करा, ऑन करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर जो ओवरहीट की लाइट होती है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। आप देखिएगा, ये देखिए ये ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद फिर ये जो रेडिएटर फैन है, जब भी एक्सीलेटर देता हूँ तो रेडिएटर फैन चलता है, एक्सीलेटर छोड़ देता हूँ तो रेडिएटर फैन बंद हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, इसका कोई उपाय। तो वो जो यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर एक लाइट आ रही थी, ओवरहीटिंग की लाइट ब्लिंक कर रही थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आओ दिखाते कैसे। मैंने क्या करा, ये कपलर जो था, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये वायर ख़राब था, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा सोल्डिंग किया हुआ वायर दिख रहा है, ये वायर ख़राब था तो अंदर से टूट गया। मतलब ये वायर के अंदर से टूटा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने देखा तो वो टूट गया पूरी तरह से। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि इसको ले जा करके, ये देखो ये खुलता है, ये इसको खोलने के बाद इसके अंदर रबर होता है, रबर निकाल करके सोल्डिंग करवाया। और सोल्डिंग करने के बाद इसको सारा कट करके मैं लेकर गया था, गाड़ी लेकर नहीं गया था, पूरा कट करके लेकर गया था। तो इसको सोल्डिंग करवाया, सोल्डिंग करवाने के बाद सारे वायर को हमने बिल्कुल अच्छे से टेपिंग कर दिया। और टेपिंग करने के बाद इस वायर को भी टेपिंग करेंगे और फिर इसको पूरा टेप लगा देंगे। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर वो लाइट आती है कि नहीं आती है। तो अभी मेरा वो जो ओवरहीटिंग की लाइट ब्लिंक कर रही थी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको खोल के रखा है, तो यहाँ से एक वायर गड़बड़ था, तो मैंने कट करके यहाँ से ऊपर की तरफ हमने लगाया है। और अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए अब देखो लाइट चली गई, अभी तक देखो, अभी तक जो ब्लिंक कर रहा था, अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो वहाँ पे थोड़े ही टाइम में वो ब्लिंक करना शुरू हो जा रहा था। तो अभी तक ये ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम नहीं आया है, तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था ये फिलहाल सॉल्व हो गया है। तो अगर आपके भी बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले मीटर, मैंने बहुत सारी वीडियो देखे बोले थे स्पीडोमीटर चेंज करो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, स्पीडोमीटर चेंज करने से नहीं होता। आप यहाँ पर आइए, क्योंकि ये लूज़ रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये लूज़ होने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ये हमारा प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। तो अगर आपकी बाइक में भी NS200 है, अगर इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको, ये देखिए अभी तक नहीं आया है, गाड़ी की अभी तक स्टार्ट है, अभी तक नहीं आया। तो आपकी बाइक में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले इस कपलर को चेक करें, कपलर के एक एक वायरिंग को चेक करें, ऐसा हिला करके एक एक वायरिंग को चेक करें, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम होता है, स्पीडोमीटर से नहीं। बोलते हैं स्पीडोमीटर चेंज कर दो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। कपलर, कपलर देखो यहाँ पे, ये कपलर की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो बस आज के लिए यही, नए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।